हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे, फ्राइडे का व्रत था, पूजा कर ली है। कल मेरी वीडियो गई नहीं थी, यानी कि थर्सडे को मेरी वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं गई थी। और ये जो मैं शूट कर रही हूँ आपको, देखा ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी। व्रत है तो कोई सवाल ही नहीं होता झूठ बोलने का। पहले थोड़ा सेट ज़्यादा ही हो रहा है। एक्चुअली मैंने वीडियो पूरी अपनी सेट करके छोड़ दी थी, शुरुआत करके भी, बीच का सब शूट, एंड में भी बात चीत करके। लेकिन ईशू ने क्या करा है, फ़ोन अपडेट करा है और मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दी है। जो बीच की थी, दो चार मतलब शूट की हुई थी, वो तो रह गई है। शुरुआत और एंड सब मेरा डिलीट कर दिया है उसने। अभी मैं वीडियो लगा रही, देखा तो उसमें एक भी वीडियो उसने नहीं छोड़ी है। कह रही मम्मी, मैंने सोचा ये वीडियो जा चुकी है, इस वजह से मैंने, क्योंकि स्पेस बहुत फुल हो रहा था, इस वजह से डिलीट कर दी है। मान के चलिए, अब मुझे क्या, जो उस दिन मैंने आप लोगों से सारी बातें करेंगी, बात वही मैं आज करूँगी। लेकिन कर रही हूँ ये मैं फ्राइडे में, आपको शुरुआत जो कर रही हूँ, तो मैंने पर्दे धोए हैं, सारा काम किया है घर का। लेकिन ये हो जाता ना कि जो मैंने उस दिन आप लोगों से बातें करी थी, वो वाला फ्लो एक नहीं आ पाता है, वो चीज़ें रह जाती हैं। चलिए कोई बात, कई बार ये हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि हमारी क्लिप कई सारी हैं जो वीडियो डिलीट हो जाती है, जो कि हम सोचते हैं ये हम आप लोगों के पास भेजेंगे, ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो नहीं हो पाता है हमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, या फिर हमारा स्पेस फ़ोन का जो रहता है वो फुल हो जाता है। और आप सबको साड़ी कपड़े जो मैंने शेयर किए थे, सबको बहुत पसंद आए थे, और सब पूछ रहे थे कि दीदी सबकी साड़ी येल्लो ही क्यों। एक्चुअली आप लोगों के जो मन में विचार आया वही हमारे भी दुकान वाले से, क्योंकि सबसे पहले साड़ी गीता की ली गई थी। पहली पसंद थी कि गीता को करा देते हैं, इसकी साड़ी जो पसंद हो जाए, उसके बाद में दूसरी पसंद। बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई गई थी और एक शॉप से नहीं, हमने कम से कम 4 या 5 शॉप देखी थी, उसके बाद में साड़ी खरीदी थी चांदनी चौक से। और फिर भाभी को पसंद करा के उसके बाद में फिर बारी है मैंने अपनी, क्योंकि मुझे यही रहता, अगर ये लोग कपड़े लेते हैं, मैं कभी भी जाती हूँ पहले इन लोगों को करा देती हूँ, फिर मुझे अगर पसंद कुछ आया तो लेके आऊँगी, नहीं कई बार मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। तो ये वाला सीन तो मैंने वहाँ दुकान में भी बोला था, उन्होंने मुझे बहुत दिखाई थी एंड में येल्लो कार इसका, क्योंकि कोई डार्क है कोई लाइट है। मैंने एक ही घर में जाएंगे येल्लो लेकर के ही जा रहे हैं, भाई थोड़ा सा चेंज कर दो। तो वही था कि आजकल येल्लो जो कलर है वो थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, और जो कलर ज़्यादा ट्रेंड में चलता है आप लोगों को पता है कि वो बिकता भी ज़्यादा ही है। और दूसरा क्या था कि बहुत सारे जो कलर के आपस में कलर कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो कुछ अटपटे से हो जाते हैं, कुछ कलर में कुछ साड़ी, क्योंकि ये डबल शेड में आपने देखी है, तो कुछ ऊपर का कुछ और कलर है तो नीचे का कुछ, तो वो आपस में मैच नहीं हो के मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। इस वजह से फिर फाइनली यही हुआ कि चलो यही ले लेते हैं। तो येलो कलर की साड़ी आ गई और पूछ रहे थे कि दीदी भाभी और सिगीता दोनों सूट लाई हैं, आप नहीं लाई अपने? तो आपने देखा होगा उतने ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, आपको क्लियर बताऊँ क्यों, कि एक तो सूट मुझे क्या रहता, दोनों भाभी मुझे वही पे पूछ के देंगे गीता और ये, फिर सावन वगैरह में भाई इधर से भैया दोज के वो सब मिल जाते हैं। लेकिन अब से पहले भी मैं 3-4 सूट खरीद के लाई थी, तो और आगे आने वाली है सर्दियाँ, सर्दियों में पहने जाएंगे गर्म सूट। इस वजह से भाई ने अब खूब बोला था कि अपना कोथली का लेके आ जाओ। गीता ने भी मुझे दुकान में बहुत बोला था कि होई का अपना यहीं से अभी पसंद करके ले चलो, मैं होई पे पूछ दूंगी आप मेरी तरफ से। लेकिन मैं नहीं लेकर के आई, मैंने कि नहीं जब तेरा जो लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई कोई कह रहा है तो मैं इतने का या वो ले लूँ, नहीं। भाई ने भी बहुत बोला, मम्मी ने भी घर से बोला थी इसकी कोथली का अपना सूट ले लेना। मैंने कि जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं ले लूँगी, कुछ ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि अभी ले लूँ। लेकिन सर्दियों में शादी आने वाली है तो मैं उस हिसाब से पर्पल से, मैं दोबारा चक्कर चांदनी चौक का और लगेगा, क्योंकि पहले बहुत सारे खर्चे हैं मैंने कि उनको मैं देख लेती हूँ। और वैसे भी अब अगस्त का महीना चल रहा है, ईशू की अभी फ़ीस जाने वाली है, अच्छा खासा अमाउंट जाता है उसका कॉलेज में फ़ीस का, तो सब कुछ सेट करके देखिए हमें करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं ना इसी में, और आप लोगों से मैं आगे मिलूंगी, और एंड में भी मुझे ढेर सारी बातें आप लोगों से करनी है, क्योंकि पता नहीं मुझे बातें करना आप लोगों से अच्छा लगता है। कुछ भी बात रहेगी घर में वो शेयर करना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि यही है, देखिए आप हमारा वीडियो देखते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं आज चाहती तो बोल देती नहीं मैं शुरुआत नहीं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आज मैं फ्राइडे में ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि मेरा आज ही आप लोगों के बीच जाएगा। लेकिन जो बीच वाला पार्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो मेरा थर्सडे और वेनसडे का शूट किया हुआ है, क्योंकि ईशू ने बाकी डिलीट कर चुकी है वो। तो चलिए मिलती हूँ आगे आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी, बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद में जो भी मसाला है उसको मैं कट कर रही हूँ, जैसे प्याज है लहसुन है, मसाले की मतलब तैयारी कर रही हूँ।
लहसुन वगैरह है और पनीर साइड में रखा हुआ ही है। मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। और आप सब लोगों को पता ही है कि घर में फंक्शन होने वाला है, तो मेहमानों का भी आवाजाही लगी रही है और अब मेहमान भी घर आने वाले हैं। आगे आप लोगों को मैं उनसे भी मिलवाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो यहाँ मैंने डाल दिया है प्याज और उसमें लहसुन डाल दिया है और थोड़ा सा तेज़पत्ता और दालचीनी डाल दी है। इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी और इसमें मैंने कोई भी मसाले ऐड अभी नहीं करे हैं। खड़े मसाले में खाली मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें जो हरी इलायची होती है एक दो इलायची डाल दो। यहाँ मेरे ईशू नहीं खाती है, उसको पसंद नहीं, इस वजह से मैंने नहीं डाली है, लेकिन आप डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, दो इसमें हरी मिर्ची डाल दी है। अब इसके बाद इनको भी हल्का सा नमक डाल करके भूनेंगे और उसके बाद में हमें बनानी है इनकी टमाटर प्यूरी, सॉरी मतलब मसाले को हमें पीसना है, टमाटर नहीं प्याज वगैरह सभी को इसकी प्यूरी बनानी है बाद में। पक के ठंडा भी हो गया और मैंने पीस लिया है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने, इसमें मैंने कलर वाली जो मिर्ची होती है वो डाला है। उसके बाद में इसमें मैंने फिर जो भी मसाला पीसा हुआ था इसमें ही मैंने काजू डाल दिए थे, 6 से 7 काजू डाल करके सारा अच्छे से पीस के उसके बाद डाल देंगे। अब ये मसाले को हम थोड़ी देर भूनेंगे क्योंकि पहले से ही हमारा भुना हुआ है। अब इसमें हम थोड़े से कुछ मसाले हैं बेसिक से उनको डाल देंगे, जैसे लाल मिर्ची हो गई, कलर वाली तो मैंने पहले डाली थी, अब थोड़ा सा तीखा करने के लिए बाकी हरी मिर्ची भी डाली है, थोड़ी मैंने हल्दी भी डाल दी है, वैसे इतनी डलती नहीं है इसमें। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रखें। और यहाँ मैंने डाल दिया है पनीर, तो आप चाहे शाही पनीर कह लीजिए, कढ़ाई पनीर जो भी, मतलब मैंने ये वाला पनीर आप अपने आप नाम दे लीजिए क्या बनाया है, लेकिन हाँ बस ये पनीर बना दिया है मैंने। तो ये पनीर की सब्जी हमारी बनके हो गई है रेडी। और उसके बाद में आगे मुझे करना है अभी थोड़ा सा काम, फिर मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को मेहमानों से। यहाँ पे मैं सब्जी लेकर के आई थी, बस उसको ही खाली कर रही हूँ और उसके बाद में धो के रखूँगी। पहले मैंने ऐसे दिखाया तो मुझे एक कमेंट आया कि दीदी पोलोथीन ना सिलेब वगैरह पे मत रखो, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही खोल करके, वैसे सब्जी को आए हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं, निकाल के धो के उसके बाद में सिलेब वगैरह अच्छे से साफ करके छोड़ दूंगी। ये तो सच है कि कोरोना अभी नहीं गया है, हमें थोड़ी सी सेफ्टी अभी बरतनी चाहिए, उतनी लापरवाही हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सेफ्टी बरतेंगे तभी ये सब अच्छा रहेगा। यहाँ इशू दिखा रही है दोनों के सेहत। टिंकू देख, पूजा यानी कि मेरी चाचा जी की बेटी है और वो उसके हस्बैंड है और ये भाई है छोटे वाला मेरा। ईशु खाना दे रही है, खाना चल रहा है, तो इन्हीं की खुशी में मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी। पूजा भी आ गई है, विशाखा सॉरी वहां रहती है, अब तो विशाखा
तो यहाँ पे देखे पर्दे धोए थे ना, तो इसके जो छल्ले होते हैं बहुत निकल भी जाते हैं, कुछ निकाल के भी धो ले, तो मैं उन्हीं को सेट कर रही थी। यहाँ छल्ले मैंने कुछ निकाल दिए थे तो ये आसानी से लग जाते हैं। जो लोहे वाले छल्ले होते हैं वो तो लगते नहीं है, लेकिन जो ये प्लास्टिक वाले छल्ले होते हैं ना, ये आराम से लग जाते हैं। क्योंकि लोहे वाले छल्ले क्या रहते हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से दब जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो इस वजह से वो सेट नहीं होते। और यहाँ पे जैसे कोई कोई छल्ला ऐसा हो रहा था जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे थे, उनको भी खोल के मैं दोबारा से इन्हें सेट कर दूंगी। तो इसलिए ज़्यादातर पर्दों के अंदर इनको छल्ले जो लगवाएं ये प्लास्टिक के ही लगवाएं, क्योंकि ये आसानी से निकाल के धो लो, या फिर धोने के टाइम पे अगर निकल जाते हैं तो वो लग भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे रोड वगैरह अच्छे से मैंने साफ करके पहुँच के उसके बाद में मैं यहाँ पर्दों को सेट कर दूंगी। यहाँ पर साफ कर रही हूँ पंखे, तो ये वीडियो जो बना रहा है ना गन्नू बना रहा है, यहाँ पर उसका जित्था बुआ ट्राइपॉड पे मत लगाओ, मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोने पर देख रहे होंगे, अब थोड़ी सी उंगली आ गई है। जिद हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, आपके ट्राइपॉड पे मत लगाओ, और उसकी वजह से ही फिर मैंने यहाँ पे, और देखो बोल रहा था कि बुआ मैंने ना पूरे को लिया है, आपको ऊपर से पंखा दिखे या ना दिखे मगर बुआ का जरूर दिखा रहा है आप लोगों को। और आगे मैंने आप लोगों से बातें की है क्या फंक्शन है, सब डिटेल में अच्छे से बताया है, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखें। देखिए सब लोग पूछ रहे थे क्या फंक्शन है, तो चलिए बता ही देती हूँ। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा सस्पेंस, लेकिन आप लोगों से कहते ना आप लोगों से क्या सस्पेंस रखना, बता देती हूँ मैं। पूजा का पहले माथियार सॉरी विशाखापट्टनम में पोस्टिंग थी, तो पिछले साल नहीं 2 साल हो गए अप्रैल में उसको, अभी अर्कोनम पोस्टिंग आ गई चेन्नई से आ गए नेवी में, हस्बैंड उसके भी इंडियन नेवी में, तो वो लोग भी छुट्टी आ गए हैं। और सब लोग जानते हैं आरती को, यानी मेरी चाचा जी की लड़की को, बहुत बार वीडियो में आ चुकी है आरती, और कौन कौन जानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी की एंगेजमेंट है, बहुत जल्दी है, पूरे परिवार से एकदम धूमधाम से एंगेजमेंट होने वाली है, उसी की मेरे घर में चल रही है सबके में तैयारी। यहाँ पे चाची के घर भी खूब धूमधाम से तैयारियाँ चल रही हैं, और सब मेहमान आने वाले हैं, बुआ वगैरह चाचा ताऊ सबसे मैं आपको मिलवाऊँगी। बाकी का उसकी एंगेजमेंट फंक्शन है जो, उसको पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत जल्दी ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। पहले तो ये था कि नवरात्रों में करेंगे, लेकिन डेट वगैरह उस हिसाब से पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बहुत जल्दी ही निकाली है, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं एंगेजमेंट की। तो बस सब पूरे परिवार का हम जितने एक्साइटमेंट है, मुझे पता है आप लोग भी मेरे परिवार से पूरे से फैमिली से सबसे मिलने के लिए उतने ही खुश होंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा है, और इसी फंक्शन के लिए मेहमानों का आना जाना लगा हुआ, पूजा घर आई थी मिलने के लिए, वैसे तो चाचा जी का घर पास ही है यहाँ से मेरे, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वही है कि भाई इतनी दूर से आई है, बहनें हैं तो बहन तो मिलने के लिए ज़रूर आएगी। उसी दिन आई थी वो, और उसी दिन फिर यहाँ मेरे से मिलने के लिए आई थी। तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू है चैनल पर, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कल मिलूँगी, बाय बाय।